आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं वो हमने सब देख लिया था। आज हम अनुसंधान संस्थाएं और कुछ अन्य फैक्ट देखेंगे जो कि हमारे एमपीपीएससी, एमपीएसआई और पटवारी एंड ऑल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यह भी हमने क्या देखा था, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उज्जैन में। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खरगोन में। ये मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगी जिससे आपको याद रहेगा। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना ये कहाँ पर है, उज्जैन में। अभी हमने क्या देखा था, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ, उज्जैन में। और ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना या जो शोध केंद्र बोल सकते हैं ना अपन इसको, शोध केंद्र, ये कहाँ पे, उज्जैन में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मक्का और गेहूं दोनों, ये कहाँ पर है, खमरिया जबलपुर में। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। ये हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ अनुसंधान केंद्र, और ये क्या है, केवल गेहूँ अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में। और सेकंड है डेयरी स्टेट केंद्र कहाँ पर है, ये जबलपुर में है ना। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रतलाम में। सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन भी कहाँ पर किया जाता है, रतलाम में किया जाता है ना। और नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये फंदा भोपाल में। अब इसके हम लोकेशन देखेंगे, जैसे हमने देखा था भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, भोपाल में। तो हमारे भोपाल की लोकेशन ये है ना, तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, रतलाम में। ये हमारा नीमच हो गया या मंदसौर हो गया या रतलाम हो गया, रतलाम है ना। और नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, होशंगाबाद में। तो हमारा ये होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद। वर्तमान में इसका नाम क्या है, नर्मदापुरम, और ये नर्मदापुरम संभाग में ही आता है। पहले क्या होशंगाबाद में संभाग में आता था, वर्तमान में ये नर्मदापुरम संभाग में आता है ना। इसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, तो ये होशंगाबाद की इधर ही ये हमारा जबलपुर आ जाएगा है ना, जबलपुर। और इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना या शोध केंद्र उज्जैन में, तो ये हमारा ये भोपाल है, इसके बाद इंदौर, ये हमारा उज्जैन आ गया है ना, उज्जैन में। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, खरगोन में। तो ये हमारा खरगोन हो गया या खंडवा, तो कहाँ पर है, खरगोन में। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, बड़वानी में है ना। तो ये हमारा खरगोन, ये खंडवा और यहाँ पर बड़वानी आ गया है ना, बड़वानी। और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, उज्जैन में, ये हमारे उज्जैन है ना। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, इंदौर में, तो ये उज्जैन के ऊपर क्या है, इंदौर। तो ये हमने लोकेशन वाइज भी देख लिया। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, नरसिंहपुर में। और सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भी कौन करता है, नरसिंहपुर जिला करता है ना। अब यहाँ पे हम लोकेशन भी देखते हुए चलते हैं। नरसिंहपुर यहाँ पे क्या, होशंगाबाद की इधर है नरसिंहपुर, ये है ना। बाकी आप मैप में देख लेना, मैंने रफ डायग्राम बनाया। प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खंडवा में। और ये कहाँ पर है, भगवंत राय मंडलोई जो महाविद्यालय है उसमें है ना। और जैविक कपास, जैविक क्या होती है, जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसको जैविक खेती बोलते हैं ना। तो जैविक कपास अनुसंधान कहाँ पर है, खंडवा में है ना। और नेक्स्ट है दलहन शोध केंद्र, दलहन शोध केंद्र कहाँ पे, अमलाह सीहोर में। अब सीहोर भी हम देख कर चलते हैं, तो ये हमारा सीहोर है ना, भोपाल के नीचे। और खंडवा भी देखते हैं, तो ये खरगोन के बाद हमारा क्या है, खंडवा। अभी जो हमने दलहन शोध केंद्र देखा वो अमलाह सीहोर में है, और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, फंदा भोपाल में है ना। और कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, ये भोपाल में। तो सीहोर के ऊपर ये हमारा भोपाल हो गया है ना, भोपाल में है। और कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर, भोपाल में है।
और प्रदेश का प्रथम सेलरी जैविक खाद संयंत्र है ना, ये भी क्या है जैविक ऑर्गेनिक खेती का खाद संयंत्र कहाँ पे, ये भोपाल में, तो इसकी लोकेशन भी कहाँ पे, भोपाल में है ना। और नेक्स्ट है कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ये कहाँ पर है जबलपुर में। अभी हमने देखा था कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा संस्थान कहाँ पे, भोपाल में, और अगर महाविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है जबलपुर में। तो ये नरसिंहपुर के इधर आपको क्या मिल जाएगा, जबलपुर, ये जबलपुर मिल जाएगा ना, बाकी आप मैप में देख लेना। और उद्यान महाविद्यालय कहाँ पर है, ये मंदसौर में है ना, ये हमारा नीमच हो गया, उसके नीचे हमारा क्या है मंदसौर है ना, ये मंदसौर में क्या है उद्यान महाविद्यालय है ना, जहाँ पे क्या जो फूलों की खेती होती है वो की जाती है, उसके अंतर्गत ही उद्यान महाविद्यालय आता है ना। और देश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर है, जो ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, इंदौर में है ना, तो इकाई कहाँ पर है इंदौर में। और कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ पर है, जहाँ पे कीटनाशक बनाए जाते हैं, बीना में है। और बीना किसके अंतर्गत आता है, हमारा गुना जिला के अंतर्गत आता है ना, तो ये हमारा ग्वालियर के नीचे क्या जाएगा, गुना आ जाएगा। और अभी हाल ही में जो बीना है, बीना को जिला बनाने की बात चल रही है ना, क्या नया जिला बनाने की, अभी वर्तमान में हमारे कितने नए जिले हैं, 55 है ना, जो हमने पहले ही वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमारा ये हो गया था ना, तो बीना को क्या जिला बनाने की अभी बात चल रही है ना। और सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ पर है, ये कटनी में, तो ये हमारा जबलपुर के ऊपर क्या आ जाएगा, कटनी आ जाएगा। तो क्या सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ पे, कटनी में। और अवशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ पर है, ग्वालियर में, कहाँ है ग्वालियर में, तो हमारे ये गुना के ऊपर क्या जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट है पशु चारा बनाने का संयंत्र कहाँ पर है, पशु के लिए चारा बनाने का संयंत्र ये कहाँ है, धार में, तो ये हमें देखने को मिलेगा इंदौर के नीचे, धारा हमको देखने को मिलेगा। और कृषि ज्योत है, कृषि ज्योत का अधिकतम आकार कहाँ पर है, कौन से जिले में सर्वाधिक आकार है, तो हरदा में, तो ये होशंगाबाद है, उसके बाद क्या हमारा हरदा मिल जाएगा ना। और न्यूनतम आकार कहाँ पर है, कटनी और नीमच में है ना, कटनी और नीमच, कटनी हमारे ये जबलपुर के ऊपर और नीमच ये हमारा इधर रहेगा ना, तो नीमच। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल हब ये कहाँ पर है, पावरखेड़ा होशंगाबाद, होशंगाबाद नहीं, वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम है ना। और इसके बाद जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ये मंडला में है ना, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, तो ये हमारे मंडला की लोकेशन है ना, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र मंडला में है। और जैविक खेती की जो इकाई है वो कहाँ पर है, इंदौर में, ये अभी हमने अभी देखा था ना इसको।